वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटिंग व्लॉग्स विद त्रिवेणिका। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं आपके साथ किस चीज के बारे में बात करूंगी। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि मैंने अपने ब्लाउज पीस को किस तरीके से पेंट किया। हाँ, लेकिन मैंने अपने जो टेलर है उससे पहले मेजरमेंट वहां पर मार्क करवा लिया था। सो आप भी अगर किसी रॉ ब्लाउज पीस पे पेंटिंग करना चाहते हैं तो पहले अपने टेलर से एक बार बात कर लीजिए और उससे मार्क लगवा लीजिए। आपके साइज के अकॉर्डिंग जो पोर्शंस होते हैं ब्लाउज जब स्टिच करते हैं टेलर्स, सो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, वरना आप गलत जगह डिजाइन डाल देंगे और फिर आपका जो ब्लाउज पीस है वो स्पॉइल हो जाएगा। और एक और छोटी सी टिप है कि अगर आप ये करना चाहते हैं ना, तो पहले किसी रफ साड़ी या किसी इस तरीके का ब्लाउज पीस कर लीजिए जो बहुत ज्यादा कॉस्टली ना हो। सो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो आज का जो वीडियो है ना, वो इसलिए इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसलिए मैंने इस मधुबनी कोर्स में ऐड किया है, क्योंकि आज जो फैब्रिक पेंटिंग को लेकर डाउट्स होते हैं व्यूअर्स के मन में और बिगिनर्स के मन में, वो सारे डाउट्स इस पेंटिंग में मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें, मेरे साथ भी जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है ब्लाउज पीस को पेंट करते समय, वो सब आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो वीडियो बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है जो अपने कपड़ों पर मधुबनी पेंटिंग करना चाहते हैं। और मधुबनी पेंटिंग करे भी क्यों ना, मधुबनी पेंटिंग है ही ऐसी ट्रेडिशनल लुक। आजकल ये जो फैशन है ना, बहुत ज्यादा चल रहा है मधुबनी पेंटिंग की साड़ी, मधुबनी पेंटिंग की ब्लाउज, मधुबनी पेंटिंग की कुर्ती कुर्तेज, ये सब बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में है। लेकिन जो ट्रेंड है ना, वो दूसरे तरीके का ट्रेंड है। आप अगर ट्रेडिशनली देखेंगे तो लाइन आर्ट वो लोग बनाते हैं, जो जैसे मधुबनी में या किसी आप कहीं जाते हैं या वहां पर शॉप पर आप देखते हैं। लेकिन अभी जो मैंने फील किया है हाल ही में, जो चीज और जो ट्रेंड जो चल रहा है मधुबनी डिजाइन का कपड़ों के ऊपर, वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है, जो कि बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही सुंदर और एलिगेंट लगता है। और इस मधुबनी पेंटिंग का पेंटेड ब्लाउज जब भी आप कहीं पहनकर निकलेंगे, तो आई एम 101% श्योर कि लोग बाग आपसे जरूर पूछेंगे कि आपने कहाँ से परचेज किया। सो अगर आप भी इस तरीके की लाइमलाइट में आना चाहते हैं, सो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वर्क को करके जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले मेरी एक वेरी छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर अभी तक आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी हैं, तो जल्दी से ऊपर आई बटन पे जाकर मधुबनी कोर्स प्लेलिस्ट मैंने शेयर की है, वहां पर आप देख सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे इन पॉइंट्स को। सबसे पहला, फैब्रिक पेंटिंग के लिए कलर को कैसे रेडी करें। डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक के लिए कलर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से तैयार किया जाता है। डिज़ाइन, जो साड़ी या दुपट्टे में डिज़ाइन जब हम बनाते हैं, तो उनके लिए स्टेंसिल्स कैसे बनाएं, कॉटन पर कैसे डिज़ाइन बनाएं, सिल्क के लिए निब को कैसे रेडी करें और सिल्क पर पेंटिंग कैसे करें। सो ये सब चीज़ हम जानेंगे। सो फर्स्ट हम जानते हैं कि हम कलर कैसे रेडी करते हैं। सो यहाँ मैं यूज़ करूँगी फैब्रिक कलर और मीडियम यूज़ करूँगी, आप पानी से भी बना सकते हैं। अब हम आधा चम्मच कलर लेंगे और उसमें 5 से 6 बूंद मीडियम की डालेंगे। अगर आप कॉटन पर पेंटिंग करना चाहते हैं तो कलर को हल्का पतला करें, पर ज़्यादा पतला नहीं करना, वरना वो जो कपड़े पर कलर है वो सोखने लगेगा। अगर आप सिल्क के लिए कलर तैयार कर रहे हैं, तो कलर को हल्का गाढ़ा सा रखें, मतलब उसको थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, कि वो सिल्क का कपड़ा पतला होता है और कॉटन का कपड़ा थोड़ा सा मोटा होता है। सो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि दोनों सरफेस बिल्कुल डिफरेंट है। सो अगर हम बहुत पतला कलर जो हम कॉटन के लिए बना रहे हैं, वो अगर हम सिल्क पे यूज़ करते हैं, तो सिल्क पे वो चलेगा नहीं और फैलेगा। सो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। और परफेक्ट कंसिस्टेंसी अगर आपको जाननी है किसी भी कपड़े की, तो जब आप कलर बना रहे हैं ना, तो उसी से मिलता जुलता कोई रफ कपड़ा अपने पास रखें और उस पर लाइन्स ड्रॉ करके देखिए। लाइन्स फैलनी नहीं चाहिए, प्रॉपर लाइन्स आनी चाहिए। ये निशानी है आपके, जो कलर है आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन गया है। आप ब्रश और निब दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। निब को यूज़ करना है तो आगे मेथड मैंने शेयर किया है कि किस तरीके से निब को रेडी किया जाता है। सो चलिए अब देख लेते हैं। नंबर 2,
हाउ टू मेक स्टेंसिल। अब स्टेंसिल हम क्या बनाते हैं, जब हम किसी साड़ी या दुपट्टे पे काम करते हैं, जब हमें सिमिलैरिटी चाहिए होती है, सिमेट्री चाहिए होती है अपने डिज़ाइन में। सो इसके लिए आपको करना क्या है, ऐसा एक पतला सा गत्ता ले लीजिए, मोटा गत्ता बिल्कुल भी मत लीजिएगा, पतला गत्ता लीजिए और अपने डिज़ाइन के अनुसार कोई भी उसमें डिज़ाइन ड्रॉ कर लीजिए, जो भी आपको पसंद है, पिकॉक, बर्ड, फ्लावर, कुछ भी आप जो चाहते हैं, और उसको इस तरीके से यहाँ पर हम कट कर लेंगे। अब आपका जो स्टेंसिल है ना वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आपको अगर साड़ी पे करना है, दुपट्टे पे करना है, तो इसको रखिए और पेंसिल से आउटलाइन कीजिए और बहुत इजीली आप इसको आराम से पूरा डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं सिमेट्री के साथ। सो चलिए अब जान लेते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने यूज़ किया है मेरा ब्लाउज पीस और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसमें किस तरीके से मधुबनी पेंटिंग बनाया है। सो यहाँ पर मैंने ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी और इस पर ना मैं ब्रश की हेल्प से ड्रॉ करूँगी, यहाँ पर मैं निब यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा जो ये कपड़ा है ना बहुत पतला है, मोटा नहीं है। सो अब इसको पेंट करते समय मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी। सो फर्स्ट टिप है, कपड़े में जब भी आप पेंटिंग करें कभी भी सलवट नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। जिस भी कपड़े पर आप पेंटिंग करने जा रहे हैं उसको एक बार आयरन कर दें। मैंने यहाँ आयरन वाला कपड़ा इसलिए नहीं लिया है जिससे कि मैं आपके साथ इसके जो ड्रॉबैक हैं कि अगर आप ऐसा कोई भी कपड़ा यूज़ करते हैं तो क्या रिजल्ट होंगे, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको दिखाने के लिए ये यूज़ किया है। सो अगर आप सलवट वाला कपड़ा यूज़ करते हैं, कई बार मान लीजिए सलवट्स नहीं जाती हैं, आयरन करने के बाद भी उसमें निशान रह जाते हैं, तो वहाँ से कपड़े को अपने हैंड की हेल्प करके उसको स्ट्रेच कर दीजिए हेल्प के हैंड से आप। उससे क्या होगा, आपको एक प्लेन सरफेस मिलेगा और वहाँ पर आपका ब्रश या निब दोनों इजीली रन करेंगे। अब जो थर्ड नंबर जो टिप है वो ये है, ब्रश से काम करते समय ये हमेशा ध्यान रखें कि हमें ब्रश के टिप से काम करना है और ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे ना तो लाइंस कहीं से मोटी हो जाएंगी, कहीं से पतली बन जाएंगी और आपका जो डिज़ाइन है ना वो एक बहुत ही अजीब सा लुक आएगा उसका। तो ये हमेशा ध्यान रखें, ब्रश की टिप से हमें वर्क करना है, ब्रश का पूरा जो पोर्शन है वो यूज़ नहीं करना है हमें। बाकी अब जो टिप नंबर 4 है वो ये है कि लाइंस थोड़ा दूर दूर खींचें, बहुत पास पास, जैसे कि हम पेपर में जब काम करते हैं तब यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं बनाना है आपको, थोड़ा सा दूर दूर बनाना है। और आजकल जो मधुबनी डिज़ाइन चल रहा है वो थोड़ा इसी तरीके का चल रहा है। अब टिप नंबर 5 जो है वो है, ब्रश की जो निप टिप है आगे के जो उसकी नोक है उसको आपको बार बार अपने हैंड पे, जिस तरीके से आप मेरा देख रहे हैं ना अंगूठे के पास बहुत सारा कलर लगा है, वहाँ से उसको पैना करते रहिए, उसको पॉइंटेड करते रहिए। अगर पॉइंटेड नहीं करेंगे ना तो थोड़ी सी देर बाद आपकी जो लाइन्स है ना वो मोटी मोटी ड्रॉ होनी शुरू हो जाएंगी। और जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, टिप नंबर 6, वो ये है कि हमेशा जब भी आप फैब्रिक पे काम करें तो धीरे धीरे काम करें, क्योंकि यहाँ आप गलती अगर आपसे होती है तो उसको आप सुधार नहीं सकते हैं। सो इसलिए इसको धीरे धीरे बनाइए। और एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम फैब्रिक पेंटिंग कर रहे हैं ना तो पेंसिल से एक ड्रॉ, एक स्केच ड्रॉ करके रख लीजिए अपने डिज़ाइन का, जिससे कि आपका जो काम है ना वो गड़बड़ाए नहीं और बिल्कुल प्रॉपरली आप उसमें डिज़ाइन ड्रॉ कर सकें। सो ये है जो मेन टिप्स हैं जो कॉटन पर हम जब करते हैं तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। इन टिप्स को फॉलो अगर आप करेंगे तो आपका जो काम है कभी भी ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पर ना ये जो मेरा बैक पोर्शन में इसको रेडी कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने अपने जो टेलर से मार्किंग करवा रखी है। सो ये जो मैं अभी आपके सामने जो स्क्वायर बना रही हूँ ना ये मेरे बिल्कुल बैक पे आएगा और नीचे बॉर्डर है, इसको बॉर्डर को मैं पूरे ब्लाउज में अभी नीचे करूँगी। सो अभी आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैंने इतना किया है। और आजकल इस तरह का जो डिज़ाइन है ना बहुत ट्रेंड में है, आप अगर पिंटरेस्ट या गूगल पे भी सर्च करते हैं तो आपको इस तरीके के डिज़ाइंस बहुत देखने को
आपको मिलेंगे साड़ी में, ब्लाउज में, कुर्ते में। सो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ट्रेंड में चल रहा है ना, अगर आप उसको फॉलो करते हैं ना, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम करेंगे ही करेंगे। सो इस डिज़ाइन को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पीछे का पोर्शन, बैक पोर्शन पूरा भरा हुआ बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। आप इसमें राधा कृष्ण की जो पिक्चर है वो ड्रॉ कर सकते हैं, कल्प वृक्ष है वो ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन हैं मधुबनी पेंटिंग में जो आप कहीं से भी किसी की भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। सो और सबसे बड़ी बात है ना कि ये जब बनता है ना तो बहुत ही सुंदर लुक लगता है इसका। और आप जब भी इस तरीके का ब्लाउज पीस पहन के कहीं जाएंगे तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ज़रूर टोकेगा ही टोकेगा। सो यहाँ पर जो मेरा डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से ये जो स्क्वायर बनाया था इसका बॉर्डर बना दिया है। सो चलिए अब बात करते हैं कलरिंग की। कलरिंग जब भी आप करें तो हमेशा ध्यान रखें पानी ना के बराबर ही यूज़ करें। जैसे कि मैंने आपको एक बार और मधुबनी पेंटिंग कपड़े पर करना बताया था, उस वीडियो में भी मैंने आपको यही चीज़ शेयर की थी कि बस आपका जो ब्रश है ना वो पानी में थोड़ा सा डिप होना चाहिए, कलर में आप पानी ऐड नहीं करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं डायरेक्ट बॉटल से कलर लेकर यूज़ कर रही हूँ। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि जब आप इसको कलरिंग करेंगे ना, और अगर आप वाटर यूज़ करेंगे तो एक तो ये फैब्रिक है, बाद में फेड भी हो सकता है, और अगर आप डायरेक्ट कलर यूज़ करेंगे तो उसके जो रियलिटी है कलर की, जो ओरिजिनल उसका कलर है, वो बना रहेगा आपके कपड़े पर लंबे समय तक। तो चलिए जल्दी से इसको कलर कर लेते हैं। और मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइन नहीं बनाया है, क्योंकि अगर मैं हैवी डिज़ाइन आपको बताती तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एक सिंपल और स्वीट सा डिज़ाइन आपको बनाकर दिखाया है जो कोई भी बिगिनर ईजिली बना सकता है। और यहाँ पर कलरिंग भी मैंने पूरा फिल करके नहीं किया है, इस तरीके से जो टेक्निक्स मैंने आपको कलरिंग की बताई हैं उनमें से ये वाली टेक्निक यूज़ की है। और पूरा कलर करने के बाद ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, लग रहा है ना कितना सुंदर। सो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू रेडी निब फॉर फैब्रिक पेंटिंग। जब हम मार्केट से निब लेकर आते हैं ना, वो तो आगे से थोड़ा सा पॉइंटेड होती हैं, और जब आप उसको कपड़े पर चलाएंगे ना तो कपड़ा खींचेगी, कपड़ा ख़राब करेगी। सो आपको करना क्या है, उसको आगे से थोड़ा सा घिसना है। तो अब जैसे कि स्टोन तो हर किसी के पास नहीं हो सकता, तो इसलिए नेल कटर सभी के पास इजीली मिल जाता है। तो नेल कटर का जो फाइलर वाला पोर्शन होता है ना, वहाँ से हम इसकी टिप को थोड़ा सा आगे से घिसेंगे। घबराइएगा बिल्कुल नहीं, हल्के हाथ से आप उसको थोड़ा सा घिसिए। और अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि ये कितना स्मूथ चलेगा। सो इसको आगे से घिसने से क्या होता है, जो इसका जो नुकीला पोर्शन होता है ना, वो थोड़ा सा
स्मूथ हो जाता है और उसकी वजह से ये कपड़े पर बहुत आसानी से चलता है और कपड़ा खींचता नहीं है, तो इसलिए ये भी स्टेप बहुत ज़रूरी है जब भी। सो चलिए अब जान लेते हैं कि सिल्क के कुर्ते पर मधुबनी पेंटिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो यहाँ पर मेरा ये एक ओल्ड कुर्ता है सिल्क का, तो इसलिए मैं इस पर पेंटिंग करके आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैंने जो कलर है ना पहले से बना के रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिल्क और कॉटन दोनों का कलर डिफरेंट होता है। सो यहाँ पर सिल्क के कुर्ते के लिए मैं थोड़ा सा गाढ़ा सा कलर रेडी किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये निब से कितना स्मूथ चल रहा है और निब घिसने के बाद जो है इसमें बहुत ही अच्छे से वर्क हो रहा है। बस आपको इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे आप कोई स्टिच्ड जो कपड़ा होता है, सिला सिलाया जो कपड़ा होता है, उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जब जहाँ पे कहीं से सलवट होती है या मोटा होता है ना, वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, वहाँ पे बहुत धीरे धीरे आपको काम करना है। सो यहाँ पर मैंने कॉलर पे डिज़ाइन डाला है, बहुत ही इजी डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर ये जो बटन वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पर भी, और आप देख सकते हैं दो तीन जगह मेरे से कलर थोड़ा सा फैल गया है क्योंकि वहाँ पर ये जो पट्टी बनती है उसमें सिलाई की वजह से थोड़ा सा कलर वहाँ पर सोख लिया है। बट कोई बात नहीं, उतना तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी करें तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि मेरे पास तो ये रफ़ कुर्ता है, इसलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ और आपके साथ मिस्टेक्स शेयर इसमें हो सकें, आप जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देखें। उसके बाद आप जब भी अपने पास अपने कपड़े किसी पे भी करें तो आप इन सब चीज़ों से अवेयर रहें, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया है। सो यहाँ पर हमें हमेशा वही हैंड से स्ट्रेच करके रखना है कपड़ा, और अगर हो सके तो दोनों तरफ क्लिप्स, जो पेपर क्लिप्स आती हैं, वो भी आप अपने टेबल में टक करके इसको कपड़े को स्ट्रेच करके अच्छे से वहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन मैं टक नहीं करूँगी क्योंकि मेरे जो है मुझे ऐसे हैंड से करने में अच्छा लगता है। और इसको इस तरीके से मैंने यहाँ डिज़ाइन ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं कि निब से भी कितने आसानी से काम बन रहा है यहाँ पर। और इस तरीके का डिज़ाइन आप किसी भी अपने कुर्ते में भी डाल सकते हैं, कॉटन कुर्ते में भी डाल सकते हैं। ये तो एक तरीका है कि मैं आपके साथ मैंने आज शेयर किया कॉटन में आप किस तरीके से करेंगे काम और सिल्क में किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि दोनों का जो पैटर्न है वो टोटली डिफरेंट है। डिज़ाइन सेम हो सकता है बट जो तरीका है, मेथड है, वो टोटली डिफरेंट होता है। सो यहाँ पर मैं इजीली निब क्यों यूज़ कर पा रही हूँ, क्योंकि यह जो सरफेस है ना इस कपड़े का बहुत स्मूथ है और इजीली मेरी निब चल रही है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था उसकी टेक्निक। सो उसके थ्रू मैंने यहाँ पर इसको रेडी किया और अभी आप देख सकते हैं कि मैं आसानी से कोई भी डिज़ाइन इसमें बना रही हूँ। सो इसमें जो आप इस तरीके का सिल्क में जब आप काम करेंगे ना, तो बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी इंक है ना वो थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए। अगर आपकी इंक बहुत पतली होगी ना, अगर आप कोई कॉटन के कपड़े की इंक भी रेडी करके अगर उसको यूज़ करेंगे तो वो भी यहाँ पर फैल जाएगी, क्योंकि सिल्क का कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट होता है। सो इस तरीके से यहाँ पर मैं ये डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टेंसिल काम आता है, मैंने यहाँ स्टेंसिल नहीं बनाया है क्योंकि मैं आपको इस चीज़ को शेयर करना चाहती थी कि अगर जैसे मान लीजिए हम कोई इस तरीके का डिज़ाइन बना रहे हैं, हैवी डिज़ाइन बना रहे हैं, और उसमें हमें एक ही जो हमारा एलिमेंट है उसको हम बार बार ड्रॉ करना है, जैसे फ़िश है, फ़िश को यहाँ पर मैं बार बार बनाऊँगी, मैं पूरे भी नेक पर बनाऊँगी उसको, तो इस ऐसे टाइम पे ना आप स्टेंसिल से कट करके उसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी जो फ़िश का शेप और साइज़ होगा ना वो बिल्कुल सेम रहेगा, डिफरेंट नहीं होगा। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और पेंसिल से भी पहले ड्रॉ कर सकते हैं उसको, उसके बाद फेयर आउट कर सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप पेंसिल से बना नहीं सकते हैं। कपड़े पे काम करने से पहले हम लोग भी पेंसिल से उसको एक बार उसकी जो स्केचिंग है वो कर लेते हैं, जिससे कि हमारा डिज़ाइन भी इधर उधर ना हो और एक सिमेट्री डिज़ाइन में बनी रहे। सो इस तरीके से यहाँ पर मैंने ये डिज़ाइन बना लिया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप ब्रश से डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं और निब से जब डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं तो दोनों में एक ही अंतर आता है कि ब्रश को आपको प्रेशर नहीं देना पड़ता है। अगर आपने ब्रश को प्रेशर दिया तो आपका जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर निब है, निब को जैसे आप कलर में डिप करते हैं, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ एक्सपीरियंस मतलब जिसको होता है काम कर करके वही आपके साथ शेयर करेगा। जब आप निब को कलर में डिप करें
तो थोड़ा सा हल्के हाथ से चलाएं, और जब आप लगे कि अब कलर थोड़ा सा मेरा ड्राई होता आ रहा है तो आप थोड़ा सा उसको प्रेशर देके लाइन को खींच सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये करते करते ही आपको समझ में आएगी। और अब कर लेते हैं कलरिंग की बात। कलरिंग के लिए एज़ यूजुअल ये सिल्क है तो सिल्क में हम वाटर ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, और यहाँ पर भी वही है, ब्रश आपका जो है थोड़ा सा वेट होना चाहिए वाटर में, और कलरिंग आप इजीली डायरेक्ट अपनी बॉटल से लेकर इसमें यूज़ कर सकते हैं। और वाइब्रेंट कलर यूज़ करेंगे तो बहुत ही सुंदर लुक आएगा। इसमें भी मैंने इस तरीके से कलरिंग किया है, और ये भी बहुत ट्रेंड में है ये वाला डिज़ाइन। इस तरीके के डिज़ाइंस भी बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है, सो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम इसको बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले किसी रफ उस पे अपने कुर्ते पे या किसी पुराने कुर्ते पे इसको बनाकर देखिएगा, उसके बाद किसी अच्छे पे बनाइएगा, तो डेफिनेटली जो आपका फाइनल रिज़ल्ट होगा ना वो बहुत ही सुंदर होगा। और प्लीज़ अगर आप इसको दोबारा से रिक्रिएट करते हैं या कोई भी डिज़ाइन आप अपने किसी भी क्लॉथ पर बनाते हैं तो मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा ये जो कुर्ता है ना, ये ऑफ वाइट है, और इसमें मैंने वाइब्रेंट कलर्स यूज़ किए हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। सो इनका कॉम्बिनेशन इतना ब्यूटीफुल लग रहा है इसमें। और मैंने यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम फैब्रिक पे पेंट करते हैं ना तो फैब्रिक कलर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि कपड़ा हमारे कलर्स को बहुत ज़्यादा सोख लेता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा फीलिंग वाला कलर ना करें, कहीं पे लाइंस का डिज़ाइन डालें, कहीं पे डॉट्स का डिज़ाइन डालें। सो एक मतलब एक नया सा पैटर्न क्रिएट कीजिए और एक नया लुक क्रिएट कीजिए हमेशा। अगर आप हर चीज़ को पूरा पूरा फिल करके कलर करेंगे ना तो वो एक अच्छा नहीं लगता है। सो इस तरीके से कहीं पर चेक्स डाल दीजिए, कहीं पर डॉट्स डाल दीजिए, कहीं पर डैश वाला डिज़ाइन डाल दीजिए, तो ये सब यूज़ कर सकते हैं। बाकी नेक पे यहाँ पे मैंने इस तरीके से पूरा पूरा कलर फिल किया है, और बाकी जो ऊपर वाले जो ट्रायंगल्स बचे हैं वहाँ पर मैं येलो कलर करूँगी, जो थोड़ी सी इसमें फिनिशिंग आए। सो फ्रेंड्स, ये फाइनल लुक इसका, मतलब ये जो कंप्लीट होता आ रहा है, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ पर मैं अभी और भी, अगर आपको और भी डिटेल जाननी है, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और अगर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम मैं देखती हूँ आपके कमेंट्स में, तो उसके ऊपर एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी। सो ये है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और ये है इसका फाइनल लुक। आप चाहें तो दूसरी साइड पे भी इस तरीके से बना सकते हैं। सो कैसा था वीडियो? था ना अच्छा? बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए या नहीं? अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है ना, तो फ्रेंड्स बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगी। और अगर आप कोई भी वर्क करते हैं तो मेरे साथ शेयर कीजिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर trivenika.art। सो वहां पर मैं आपके वर्क की पिक देखकर और आपको जहां पे भी वहां कोई प्रॉब्लम होगी वो आपको बताऊंगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।